अब तक तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि IPL 2021 पोस्टपोन्ड हो चुका है और अब IPL के पोस्टपोन्ड हो जाने की वजह से प्रो कबड्डी पे भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि IPL के पोस्टपोन्ड होने की वजह से प्रो कबड्डी पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों के लिए बता दूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में से वरुण चक्रवर्ती और संदीप वैरियर, उसके साथ साथ चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कोच एल बालाजी और उनके एक स्टाफ मेंबर, दीज ऑल पीपल हैव टेस्टेड पॉजिटिव और इसी वजह से IPL पोस्टपोन्ड हो चुका है। अब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर पोस्टपोन्ड हुआ है तो वो वापस से कब शुरू होगा। अब IPL ऑफिशियल्स की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अब तक नहीं आया है कि IPL कब स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी आप पहले इस ट्वीट को देखिए। ये ट्वीट है न्यूज इंडिया रिपोर्टर के सीनियर एडिटर का और ये अपने ट्वीट में लिखते हैं कि IPL ने एक वीक का ब्रेक लिया है, यानी इनका कहना है कि एक हफ्ते बाद IPL वापस से शुरू होगा। लेकिन सच बताऊं तो ये होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर एक हफ्ते बाद ही IPL शुरू करना था तो वो अपने प्लेयर्स को घर पे नहीं भेजते। जी हाँ, IPL के सभी प्लेयर्स घर पे जा चुके हैं, तो अगर सिर्फ एक हफ्ते का ही ब्रेक लेना था तो ऑफकोर्स वो सब अपने प्लेयर्स को घर पे नहीं भेजते, तो इसलिए अभी एक हफ्ते बाद IPL चालू होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो अब घूम फिर के सवाल यही आता है कि IPL के कैंसिल होने की वजह से प्रो कबड्डी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके दो इफेक्ट पड़ सकते हैं। पहले तो ये कि जैसे IPL में अभी हुआ कि IPL स्टार्ट होने के बाद कई सारे प्लेयर्स के पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने लगे और इस वजह से IPL कैंसिल करना पड़ा, तो इसलिए स्टार स्पोर्ट्स वालों को ये डर जरूर रहेगा कि ये प्रो कबड्डी में भी हो सकता है और इस डर की वजह से शायद वो इस साल प्रो कबड्डी ना रखे। और दूसरी बात तो ये कि जैसे IPL का अब तक ऑलमोस्ट आधा सीजन कंप्लीट हो चुका है, यानी आधा सीजन अभी भी बाकी है, तो ये हो सकता है कि काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद ये IPL का आधा सीजन कंप्लीट हो और इस चक्कर में पिछले साल की तरह इस साल भी प्रो कबड्डी ना हो। अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये बात तो सही है कि प्रो कबड्डी पे भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब देखो, IPL हो या PKL हो, दोनों ही एंटरटेनमेंट का सोर्स है और लोगों को भी बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैं किसी स्पोर्ट के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे बस यही लगता है कि यार PKL कैंसिल ना हो। अब देखते हैं क्या होता है, बस यही एक छोटा सा अपडेट देना था। अगर सब ठीक रहा तो प्रो कबड्डी होगा, वरना बस यही अपडेट देना था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं वेदांत वैद्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।